हाय हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में अभी मैं हूँ चित्तौड़गढ़ में, और अभी मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे हूँ, और आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो पूरा चित्तौड़गढ़ दिख रहा है। और ये रात का टाइम है, रात के 10:30 बजे, और मैं अभी राजेंद्र के पास आया हुआ हूँ। ये राजेंद्र इधर आया करो भाई। हेलो, हाय। तो ये घुमाने लेके आया हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। वैसे तो मैं इस पर काफ़ी बार आ चुका हूँ, लेकिन नाइट में पहली बार आया हूँ। लेकिन नाइट का व्यू अलग ही है। तो अभी हम यहाँ पर बैठेंगे और इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। जो उसमें क्या है कि रात को वैसे तो अधिकतर हिस्सा बंद हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये लिविंग फोर्ट है तो इसमें रात को भी आ सकते हैं। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है, और लाइटिंग वाइटिंग दिख रही है, गरबा चल रहे हैं। तो अभी यहाँ से इस नज़ारे को दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, तो आप ब्लॉग में बने रहें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स एक्सप्लोर चित्तौड़गढ़। गाइस, दिस इज द व्यू ऑफ चित्तौड़गढ़ सिटी। तो लाइटिंग लाइटिंग दिख रही है, और इधर ये फोर्ट। तो अभी और आगे की तरफ चलते हैं और नज़ारे देखते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बैक साइड में आ चुके हैं, और यहाँ पे देखो लाइटिंग वगैरह आपको बिल्कुल कम दिखेगी, क्योंकि इस तरफ शहर नहीं है और उसके नीचे की तरफ पूरा जंगल है। यहाँ पे दूर दूर जो दिख रही है लाइटिंग वो है, बाकी यहाँ पास में घना जंगल है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और इस व्यू का भी इन्जॉय लेते हैं, और आपको दिखाते हैं यहाँ से बैक कैमरे से यहाँ पर नज़ारे। वैसे रात में इतना दिखेगा नहीं आपको। ये स्कूटी इधर खड़ी की हुई है, यहाँ पर कच्चा रास्ता। दोस्तों, फाइनली हम पूरा फोर्ट घूम के आ चुके हैं, बैक साइड में भी हम देखा, और अभी हम वापस जहाँ एंट्रेंस है उस जगह पे आ चुके हैं। और आप बैक साइड में देख रहे हो, आपको पूरा फोर्ट दिख रहा है, और इस तरफ आपको सिटी दिख रही है। ये बहुत अमेजिंग जगह है। तो इस जगह पे हम रुके हुए हैं यहाँ से, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। आपको पूरी सिटी का भी व्यू दिख रहा है और पूरा फोर्ट का भी व्यू दिख रहा है। तो हमने पूरा फोर्ट का व्यू देखा नाइट में, जो देखने वाली चीज़ें वहाँ पर लाइटिंग वगैरह हो रही थी, तो उनसे बहुत अच्छा व्यू आ रहा था हमारा नाइट में। दिन में अलग व्यू आता है, नाइट को अलग व्यू आता है, लेकिन नाइट का व्यू बहुत ही अल्टीमेट आ रहा है सिटी का, फोर्ट का, जो लाइटिंग हो रही है। तो यहाँ से और नज़ारा दिखाते हैं आपको, अभी तो इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। अभी दोस्तों रात के 11 बजे हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट में घूमते हुए, और ये राजेंद्र जी आ जाओ ऊपर आ जाओ, यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है, इधर भी रुकते हैं थोड़ी देर। तो दोस्तों, अभी हम फोर्ट देख के वापस घर के लिए जा रहे हैं, रात के 11:15 बज चुके। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम घर पे आ चुके हैं, पूरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट का नाइट का व्यू लेके, और राजेंद्र ने पूरा घुमाया है स्कूटी के द्वारा। हम पूरा घूम के आए और बहुत अलग अलग नज़ारे देखने को मिले हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हमको नाइट के। हेलो, हमारा भाई आज ये इंदौर में जॉब करते हैं, तो ये घर पे जा रहे थे गाड़ी से, तो ऑफिस से 5 बजे निकल के, रात को गाड़ी नहीं चला के 8-9 बजे मेरे पास आके पहुँचे यहाँ पे। ये अब फिर सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से।
फिर भाई आया तो भाई सुबह जल्दी निकलने की बोल रहा था, तो हम इनको चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिखाने के लिए लेके गए थे। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का पूरा वीडियो आप देखेंगे ही, उसमें हमने सभी जगह अच्छी अच्छी जगह घूमा है और पूरा लुत्फ़ उठाया है भाई ने और मैंने भी। और हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट से आके गरबा डांडिया देख के हम रूम पे आ गए हैं। अभी हम दोनों गरबा नहीं देख के आए, डांडिया देख के आए, गरबा डांडिया जो भी है देख के आए हैं और चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर घूम के आए हैं। पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर 10-12 किलोमीटर स्कूटी से पूरा लुत्फ़ उठा। मैं घूमते टाइम एक जंगली सुअर आ गया सामने, जंगली सुअर आ गया था एक्चुअली, उनको तो दिख नहीं पाया पर मैं एक्चुअली मैं स्कूटी चला रहा था तो मुझे बड़ा डर लगा एकदम कि एक्चुअली वो तो पास में आ गए तो पता लगा जंगली सुअर है। वैसे जंगली सुअर भी बहुत डेंजर होता है। खुदाना खास्ता हम निकल लिए वहाँ से और निकल के रूम पर पहुँच के अभी गहरी सांस लेके अच्छा महसूस हो रहा है कि खतरे से भी लड़के ही आ रहे हैं एक तरह से। यदि वो सामने आ जाता तो आपको ब्लॉग, आपके पास ब्लॉग नहीं पहुंच पाता। और बड़ा मज़ा किया हमने, अभी रूम पे आके हम नहा धो के अभी अब सोएंगे और टाइम लगभग 11:30-12 बज चुके हैं। 12:15 अभी टाइम लगभग हो गया है, पूरे 12 बजने वाले हैं। एक मिनट बाकी है, 12 बज एक मिनट बाकी है, उल्टा दिख रहा है इसमें घर में, तो पूरे 12 बजने वाले हैं। और आप ब्लॉग को देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। तो दोस्तों ये था हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट का नाइट आउट। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।